sitting here crying in my prom dress. I'd be the prom queen if crying was a contest. Hi everyone, good morning, happy Diwali. तो आप लोग की दिवाली कैसी जा रही है मुझे बताइएगा ज़रूर. और हम लोग तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि पापा जी का भी डेथ हुआ था, तो एक साल तो कुछ भी नहीं कर सकते. दिवाली में आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? और मैं अभी ब्लैक टी मैंने पिया है, अभी चल रही हूँ थोड़ा आज को. अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं आलू के पकौड़े कैसे बनाती हूँ. तबीयत थोड़ी सही लगेगी तो मैं दिवाली थाली में बनाऊँगी, अगर सही रही तो. जी मैंने आलू लिया, इसको करूँगा बस. मैंने सारा पानी ऐसे निकाल लिया निचोड़ के. मेरा धनिया पत्ती, करी पत्ते और स्प्रिंग ऑनियन, इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँ. और ये है एक मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट. इसके बाद मैं डालूँगी कसूरी मेथी और चाट मसाला थोड़ा सा, बेसन, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, फिर जाएगा थोड़ा सा गर्म मसाला, ज़्यादा नहीं. चुटकी का दिखाती हूँ आपको, मैं पसंद है अपने साइज के हिसाब से इंसान बनाता है. चलिए फिर पकौड़े बनाते हैं. ये रहे मेरे पकौड़े और मैंने साथ में चाय भी रखी है. हस्बैंड मेरे चाय वैसे पीते नहीं, तो ब्लैक ही पीते हैं और कभी कभी करती हूँ पीने के लिए. क्या होता क्या चाहिए उसमें? देखो मैं ये हो गए मेरे पकौड़े रेडी. मैं सेकंड वाला मैं भी डालूंगी, तो पहले मैं यहाँ चटनी बना लूँ. हरी धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, इसमें लहसुन अदरक था, चटनी बना मैंने फिटिंग कर दिया. अब बताइए कैसा दिख रहा है. और ये भी चाय, कड़क चाय खाइए. तीखा नहीं बनाया क्योंकि बाबू को भी खिलाना था. क्या चीज़ का ये आलू जो आपने अभी आलू और खाइए तो तीखा नहीं है ना? बाबू तो खा लेगा आराम से. तीखा नहीं है, चटनी के साथ मस्त लग रहा है, अच्छा बना है. ये मेरा खीर बन रहा है और ये रही मेरी पनीर की सब्जी की पहली ग्रेवी. टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, धनिया, काजू और थोड़ा सा बटर, तो फेवरेट धनिया की डंठल. सारा खुशबू सारा टेस्ट इसी में होता है, पर पता नहीं क्यों उसे पत्ते क्यों डालते हैं. ये रही मेरी पहली ग्रेवी, मेरी रेडी हो रही है. इसको पानी नहीं डालना है वरना ये बॉयल वाला टेस्ट आ जाएगा. इसको भूनना है, फिर लास्ट में अगर ज़रूरत होगा तो पानी डालना. इसका सेकंड ग्रेवी बना के ले रहा हूँ, टमाटर का ग्रेवी जो मैंने दिखाया था. और उसका ये दूसरा मतलब वो दूसरा ये फैला है, सॉरी हाँ. ये मैंने तेल में खड़े मसाले और प्याज मैंने डाला है, इसको मैं भून रही हूँ. चार प्याज है और इधर मेरी खीर भी बन रही है. चार प्याज, तीन टमाटर, आगे मैं बताती हूँ. और वो जो मैंने टमाटर और काजू सारे का जो मैंने पेस्ट बना जो मैंने भुना हुआ था, इसको मैं ठंडा करके इसको मैं पीस लूँगी. अभी इसको ठंडा करने के लिए ठंडा हो जाए हल्दी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से. ये जो टमाटर वाला जो मैंने ग्रेवी बनाया था, जो भी मसाला मैंने ठंडा किया उसका मैंने पेस्ट बना लिया. ये लहसुन अदरक और ये जो इसमें मसाले पड़ेंगे इसको बस 5 मिनट हाँ भिगो के ऐसे रखने के लिए. जो भी खड़े मसाले होते हैं उसको मैंने पीस लिया. अभी वो प्याज फ्राई हो रहा है तो मैं यहाँ दूसरा रेसिपी सोच रही हूँ बना दूँ. भिंडी फ्राई बड़े बड़े इसलिए काट रही हूँ क्योंकि इसको भी डीप फ्राई करना है मुझे. यहाँ मैंने भिंडी को कट कर लिया, यहाँ मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया हीट होने के लिए. इसमें मैं ये डीप फ्राई कर लूँगी. इसमें भी भिंडी में भी ये तीन प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक, ये
यहाँ मैं देखूँ प्याज हो गया होगा, अब तो हो गया है। इसमें डालूंगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा भून जाए तो फिर मैं इसमें टमाटर डालूंगा, बिना ढके ही मैं भून लूँ इसको यूज करके। तीन टमाटर मैंने लिए थे, तक भिंडी फ्राई होता है मैं इसको प्याज और टमाटर कट कर लूँ। मेरी भिंडी फ्राई हो गई है, मैंने यहाँ बाउल में निकाल लिया और उसके लिए मैंने अभी तेल डाला है। ये रहा सौंफ, सॉरी जीरा, सौंफ, दालचीनी, ये मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। ये अभी टमाटर तो भी भून रहा है, ये मैंने तीन प्याज, प्याज और दो टमाटर मैंने भिंडी की सब्जी के लिए लिया है। खीर तो भी बनी रही है, खीर में बहुत टाइम लगेगा, मैं तो बनाती हूँ 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। ये मेरा टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज भून गया है और ये जो मैंने मसाला भिगो के रखा था वो मैं इसमें डालूँगा। अभी ये भून जाए, भिंडी के लिए प्याज मैंने डाल दिया, अरे मैंने जो मसाले डाले थे वो भून लिया और अब मैं डालूंगी ये जो मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन, काजू जो भी मैंने बनाया था भुना हुआ था आपके सामने ही, उसका ये पेस्ट है, अब मैं उसको डालूंगी। इसमें पानी डाल के नहीं भूनना है, ये बस ऐसे भूनना है। और ये मेरा भिंडी के लिए जो प्याज अभी हो गया है, अभी मैं डालूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भून लूंगी मैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी किया हुआ टमाटर, इसको गलने के लिए रख दूंगी मैं, अभी भून रहा है। मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, ये मसाला मेरा भून गया, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। हाँ एक मिनट, इसमें मैंने चीनी डाल दिया अपने अकॉर्डिंग और ये इलायची पाउडर और ये ड्राई फ्रूट देख लीजिए शायद बाहर ही गया हो, और ये मिल्क मेड है, थोड़ा सा मैं इसको डालूंगी। चढ़ा दिया है आलू, ये रहा भिंडी के लिए, गरम मसाला, इसमें मैंने नमक, हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च मैंने पहले ही डाल दिया था। ये भी मेरा रेडी हो गया पनीर का, और ये रहा पनीर, उन्हें 3 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद धनिया पत्ती डाल के बस हो गया। और इधर मेरा खीर, और इसको खाली करके मैं राइस रख लूँ, इधर भिंडी के लिए भी मसाला भून गया है, ये भिंडी की सब्जी के भी मसाले भून गए, अब मैं इसमें भिंडी डालूंगी। जा रही हूँ खाली करने, इसमें मुझे राइस रखना है, बस ये आलू हो जाए फिर कटलेट और आलू पूरी मैं बना दूँ। ये मेरी भिंडी की भी सब्जी बस हो गई है, इसे पानी वाली तो नहीं डालना है, धनिया पत्ती, मिर्च लगा दूँ और
ये मेरी पनीर की भी सब्जी हो गई और इधर भुनने के लिए राइस लगा दिया, खड़े मसाले डाले। थोड़े से नमक हो गया, ये थोड़ा सा मैं केवड़ा वाटर डालूंगी और स्वीट कॉर्न हरा वाटर। ये मेरा राइस भी, इधर मेरा मशरूम भी बॉईल हो गया। इधर मैं कटलेट बना रही हूँ, बॉयल आलू को मैंने मैश कर लिया, कसूरी मेथी, हल्दी, नमक, ये शिमला मिर्च, गाजर, स्वीट कॉर्न और ये हरे मटर हैं और इधर बीन, ये सारे मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी इसी के लिए और चाट मसाला वहीं पर है टेबल पे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर क्योंकि इसमें मैंने हरा मिर्च नहीं डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा और लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी मैं इसको मिक्स करके स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। अभी मैं बहुत जल्दी, मेरे को ऐसा कोई शेप नहीं देना है मुझे, ये कॉर्नफ्लोर है। वैसे भी इसको डीप फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई भी नहीं कर रही हूँ, बहुत कम ऑयल में भी नहीं फ्राई कर रही हूँ। अभी इसको पलट के देखती हूँ हो गया है, अभी टूटे नहीं, बहुत अच्छी कलर लगता है, मतलब नहीं टूटा। ये मैं मशरूम चिल्ली बना रही हूँ जिसके लिए मैदा कॉर्नफ्लोर इक्वल क्वांटिटी में मैंने लिया है, उसमें मैंने नमक भी डाला है और इसमें जाएगा सेजवान सॉस, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पूरा घूम रहा है, मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। सेजवान सॉस, मैदा, कॉर्नफ्लोर डाला है और नमक, उसमें मैंने मशरूम को डिप कर दिया पूरे अच्छे से। अभी इसको मैं डीप फ्राई करूँगी। ये ड्राई मशरूम चिल्ली के लिए, ये मेरा मशरूम, अनियन, कैप्सिकम, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, ग्रीन अनियन, पहले जाएगा लहसुन अदरक, मैं ड्राई मशरूम चिल्ली बना रही हूँ। सब्जियों को डाल दूँ, ये 2 मिनट फ्राई हो गए मेरे, हटो बाबू के ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, थोड़ा ही डालना है क्योंकि मैं ड्राई बना रही हूँ। अभी इसमें डालूंगी टोमेटो सॉस, थोड़ा सा विनेगर, डार्क सोया सॉस, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, फ्लेम तेज ही रहेंगे, स्लो नहीं होना चाहिए। उसके बाद मुझे डालना कॉर्नफ्लोर में, कॉर्नफ्लोर को मैंने देखे यहाँ पानी में घोल के रखा है, अभी ग्रेवी थोड़ा थिक हो गया तो पानी डालूंगी मैं, थोड़ा ही डालना है क्योंकि मैं ड्राई बना रही हूँ। टोमेटो सॉस, थोड़ा सा विनेगर, डार्क सोया सॉस, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस,
फ्लेम तेज ही रहेंगे, स्लो नहीं होना चाहिए। कॉर्न फ्लोर को मैंने पानी में धोकर थोड़ा सा रखा हुआ था ताकि ग्रेवी ठीक हो जाए। फ्लेम तेज ही रहेंगे रेसिपी, और भी बहुत से तरीके से बनते हैं पर अभी मुझे इसका टाइम नहीं है। बस हो गया, सबसे इजी वाला मैंने बनाया क्योंकि बहुत जल्दी थी। बनाने जा रही हूँ पूड़ी, इसके लिए मैंने लिया मैदा सूजी, दोनों को मिक्स कर लेंगे। और इसमें जाएगा कसूरी मेथी, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, अजवाइन, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पत्ता। मैंने एक ही बार निकाल लिया था क्योंकि दिक्कत हो रही है थोड़ी मुझे, एक हाथ में कैमरा और ये सारी चीज़ें। इसको गूंद के थोड़ी देर पानी से थोड़ी देर रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें सूजी है तो उसको 10 मिनट रेस्ट चाहिए फूलने के लिए। ये रहा मेरा थाली बन गया, ये भिंडी मसाला, पनीर लवाबदार, मशरूम चिली ड्राई, खीर, और ये देखो मैं ही बना के भूल गई, कटलेट। ये राइस और ये पूरी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए है कि लास्ट में मुझे याद आया कि मुझे आलू भी डालना है। कोई नहीं, बढ़िया है। मेरे तरफ से जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, सभी के लिए मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। टेस्ट करके बताइए। मस्त है यार, टेस्टी। तीखा तो नहीं लग रहा आपको? जैसा हमेशा रहता वैसे ही। आप तीखा नहीं खाना चाहते हैं ना ज़्यादा? जबरदस्त है। चलिए अब हम लोग भी डिनर कर लें, काफ़ी लोग तो दिवाली सेलिब्रेट नहीं किए, बस यही सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते ना इस साल। मिठाई भी हम लोग मिठाई भी नहीं खा सकते, जो भी है खाना वाना भी यही है। चलिए फिर, गुड नाइट, बाय, हैप्पी दिवाली।